पूर्व प्रधानमंत्री के बचपन के मित्र शैवाल सत्यार्थी के सामने जब अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र छेड़ा गया तो वह अचानक भावुक हो गए और बोले, वह मेरे लिए कृष्ण और मैं उनके लिए साहित्य जीवी मित्र सुदामा हूँ। शैवाल करीब 6 माह पूर्व उनसे मिलने गए थे। उनकी हालत देख उन्हें इतना दुख पहुंचा कि शून्य की स्थिति में पहुंच गए, लेकिन यह देखकर गदगद हो गए कि स्मृति लोप, जिसे मेमोरी लॉस भी कहा जाता है, की हालत में भी अटल जी ने उन्हें पहचान लिया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री के यूं तो दुनिया में अनेकों मित्र थे, लेकिन जब बचपन के मित्र की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है रामबाग कॉलोनी में रहने वाले मनराखन मिश्र और शैवाल सत्यार्थी का। बीते साल मनराखन मिश्र इस दुनिया से विदा हो गए। अब शैवाल सत्यार्थी हैं जो उनके बचपन की स्मृतियों को सहेजे हुए हैं। अटल जी शैवाल से थोड़े बड़े थे, लेकिन पड़ोसी होने के नाते उनकी शैवाल से दोस्ती हो गई। अटल जी से प्रभावित होकर शैवाल सत्यार्थी ने भी उन्हीं संस्थाओं से पढ़ाई की जहां अटल जी पढ़ा करते थे। अटल जी ने ही शैवाल को बताया कि दोस्त का असल मतलब क्या होता है। दोस्त का असल मतलब यह नहीं होता कि हर वक्त दोस्त का समर्थन किया जाए, बल्कि सच्चा दोस्त वह होता है जो गलत करने पर सही राह दिखा सके। शैवाल ने बताया कि तत्कालीन वीसी स्कूल में अटल जी उनके सीनियर थे। एक डिबेट में उन्हें जज बनाया गया था। शैवाल ने भी उसमें भाग लिया था, लेकिन एक लड़की से डिबेट करते वक्त वो नर्वस हो गए। उन्हें उम्मीद थी जज अटल जी हैं तो नर्वसनेस को नजरअंदाज कर देंगे, जबकि अटल जी ने शैवाल को 0 दिया। पूछने पर बताया कि अभी बैसाखी दे दूंगा तो तुम विकलांग ही रह जाओगे। शैवाल सत्यार्थी ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति के शिखर पर पहुंचकर भी अपनों के लिए बेहद सरल बने रहे। पहली बार प्रधानमंत्री बन ग्वालियर आए तो मनराखन मिश्र जी और मुझे विशेष तौर पर मिलने बुलाया, घर के बने पकवान मंगाए और साथ बैठकर खाए। हाल ही में शैवाल सत्यार्थी को दिल का दौरा पड़ा, लेकिन अभी वह स्वस्थ हैं। उस वक्त उनकी इच्छा हुई कि अटल जी से मिलना चाहिए। वह दिल्ली पहुंचे और उनके मिलने के लिए आवेदन की औपचारिकता प्रक्रिया पूरी की। उनका आवेदन अटल जी की देखरेख कर रहे झिंगटा जी तक पहुंचा। उन्होंने अटल जी के सामने ग्वालियर से शैवाल सत्यार्थी नाम पढ़ा तो बोलने में कठिनाई महसूस कर रहे अटल जी ने झिंगटा को इशारे से मेरे लिए तत्काल सारे इंतजाम करने का निर्देश दिया। शैवाल ने बताया कि जैसे ही वह अटल जी के रूम पहुंचे, एक बड़े बेड पर अटल जी को चादर ओढ़े लेटा देखा। उनकी दुर्बल दशा देख शैवाल को गहरा सदमा पहुंचा और वह खड़े रह गए। झिंगटा जी ने आगे आने के लिए कहा, तब उन्हें होश आया। शैवाल जी ने बताया, सूर्य जैसे तेजस्वी अटल जी की हालत देखकर मैं शून्यवत रह गया और बुलाने पर होश में आया तो बस उनके कदमों तक ही जाने का साहस जुटा पाया। अटल जी लगभग स्मृति लोप की स्थिति में मिले। इसके बावजूद जब झिंगटा जी ने नाम लेकर मेरी ओर इशारा किया तो अटल जी की आंखों से खुशी झलक रही थी और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। झिंगटा जी ने आश्चर्य से बताया कि लंबे अरसे बाद किसी को देखकर अटल जी के चेहरे पर मुस्कान आई है और आंखों में किसी तरह की प्रतिक्रिया आई। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। MFI News, हमेशा सच के साथ।